नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स. डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रांसलेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस थ्रू द मैनी स्टेप्स लाइक इनिशिएशन. फॉर इनिशिएटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स ट्रांसफर टू पर्टिकुलर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. तो नंबर वन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग विच द अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एटीपी एंड लिंक्ड विद देयर आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स. तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन होता है तो सबसे पहले जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है उसमें अमीनो एसिड जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है और अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होता है जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है. तो रिएक्शन क्या है, अमीनो एसिड प्लस एटीपी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज गिव्स एए मींस अमीनो एसिड बॉन्डिंग विद एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बॉन्डिंग विद एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पीआई. तो सेकेंड स्टेप इनिशिएशन में क्या होता है, अब ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए. राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स. इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स, दैट इज अ लार्ज एंड अ स्मॉल सब यूनिट. व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एज एन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस. तो राइबोसोम जो है वो स्ट्रक्चरल आरएनए से और लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है. इनएक्टिव स्टेट जब इसकी होती है तो इसकी दोनों सब यूनिट जो हैं लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग रहती हैं. जब स्मॉल सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए के कांटेक्ट में आती है तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है एमआरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस की वो स्टार्ट हो जाती है. फिर देर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट. और लार्ज सब यूनिट देखें राइबोसोम की तो उसमें दो साइट मेन होती हैं, दैट इज़ द पी साइट एंड ए साइट फॉर सबसीक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड टू बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पैप्टाइड बॉन्ड. द स्मॉल सब यूनिट विद द ट्रांसफर आर एन ए अटैचेज टू लार्ज सब यूनिट इन सच अ वे दैट दे इनिशिएट दैट द इनिशिएशन कोडॉन ए यू जी कम्स टू द पी साइट. तो इस तरीके से पी साइट पे इनिशिएशन कोडॉन ए यू जी आ जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. एन एम आर एन ए ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंसेज दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड रिफर टू एज अनट्रांसलेटेड रीजन यू टी आर. तो मैसेंजर आर एन ए में कुछ ऐसा सीक्वेंस भी होता है जो कि ट्रांसलेट होता ही नहीं है, उसको यू टी आर बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, विच आर प्रेजेंट इन एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन. यानी स्टार्टिंग कोडॉन से पहले का होगा क्योंकि स्टार्टिंग कोडॉन के बाद से ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो उससे पहले का जो भी सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में वो यूटीआर में आया. और इसके अलावा एंड एट 3' एंड आफ्टर स्टॉपिंग कोडॉन. तो स्टॉपिंग कोडॉन के बाद का जो है वो भी नहीं इस ट्रांसलेट होगा क्योंकि स्टॉपिंग कोडॉन आने के बाद तो प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म ही हो जाती है. तो बाद वाला पोर्शन भी यूटीआर होगा फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. फिर सेकंड स्टेप आता है इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अनदर चार्ज अमीनोसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम. ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज सी ओ एच ऑफ अमीनो एसिड एट पी साइट एंड अमीनो ग्रुप दैट इज एन एच थ्री ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. During this stage, ribosome initiate to move from codon to codon along the messenger RNA in the 5' end to the 3' end direction. तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन का इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाता है. दूसरा अब अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आता है जो कि ए साइट पे राइबोसोम की बाइंड कर जाता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में और अमीनो एसिड के बीच में. तो ये जो बॉन्ड बनता है इसके लिए एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है पेप्टाइल ट्रांसफरेज. और इस स्टेज में राइबोसोम जो है वो इनिशिएट कर जाता है मूव करना एक कोडॉन से कोडॉन दूसरे कोडॉन में अलोंग द एमआरएनए इन द 5
प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन। तो ये दो बातें एक साथ हो रही हैं, एक तो मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पॉली राइबोसोम इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, और टीआरएनए भी एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं साइटोप्लाज्म से, और एक टीआरएनए आता है कोई मैसेज लेके कोडॉन, उसका जो लूप होता है एंटीकोडॉन लूप, वहाँ पे जो मैसेज होता है उसको देख के मैसेंजर आरएनए की कोडिंग बनती है, और फिर आगे वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक होते होते आगे बढ़ते जाते हैं, फिर लास्ट में ऐसा टीआरएनए आता है जिस पे कोई कोडिंग ही नहीं होती, यानी वो नॉनसेंस कोडॉन वाला होता है, तो वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म होती है। आफ्टर दिस अमीनो एसिड आर एडेड टू स्टेप बाई स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिटेक्टेड बाई डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाई मैसेंजर आरएनए। अब लास्ट में क्या हो रहा है, फिर अब टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, इट अकर्स व्हेन द ए साइट ऑफ द राइबोसोम रीचेज अ टर्मिनेशन कोडॉन एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन, एज अ रिजल्ट द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस और इलांगेशन स्टॉप रिलीजिंग द कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। तो इस तरीके से टर्मिनेशन नॉनसेंस कोडॉन के आते ही बंद हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर स्टॉप हो जाती है। Now I'm talking about translation in prokaryotes. Different phases of translation or synthesis of protein takes place through the many steps like initiation. For initiating protein synthesis, activation of amino acid and its transfer to particular is an important step. तो नंबर वन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग विच द अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एटीपी एंड लिंक्ड विद देयर आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन होता है तो सबसे पहले जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है उसमें अमीनो एसिड जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, और अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होता है जिससे कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है। तो